ਵਿੱਚ ਝੁਮਕਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਹੋਰ ਜੈਸੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਕੈਂਡੀ ਕੈਂਡੀ ਨੱਕ ਉੱਤੇ ਕੋਕਾ ਤੇਰੇ ਨਖਰ ਹਟਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੱਚ ਰੁੱਟ ਗਏ ਹਮ ਤੇਰੇ ਇਸ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਜੀਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ Fourth makeup look of series which is in color pink. So if you are interested to see this look, then please keep on watching. Or dekhne se pehle make sure you want to subscribe to my channel, that like button. And yeah, see, let's get straight to the video. तो सबसे पहले आई एम गोना टोन माई फेस एंड टोनर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ रोज़ वाटर. देन आई एम गोना जस्ट यूज़ लेमन जेल एज माई मॉइस्चराइजर एंड इवन प्राइमर. सो दिस विल प्रेप माई स्किन बिफोर मेकअप एंड लीव माई स्किन स्मूथ. उसके बाद आई एम गोना स्ट्राइटली मूव ऑन टू आईज. वाइज आई एम गोना यूज़ दिस हुडा ब्यूटी न्यूड पैलेट. सो पैलेट में से लाइटेस्ट शेड लूँगी एज माई बेस. सो आई जस्ट कवर अप ऑल द डार्कनेस एंड यूज़ इट एज माई बेस. सो मैं दूसरा कौन सा भी कलर लगाऊँ विच गोना पॉप अप. सो सेम पैलेट में से मैं पिंक शेड लूँगी जिससे ये लुक क्रिएट होगा पिंक डार्केस्ट पिंक. सो आई एम जस्ट गोना प्लेस इट ऑल ओवर क्रीज एंड देन आई एम गोना टेक अ डिफरेंट पैलेट विच इज हुडा ब्यूटी डस्क पैलेट आई गेस. तो उसमें कहीं शिमरी शेड लूँगी. सो आई एम गोना अप्लाइड ऑल ओवर माई आईलिड्स टू गेट दैट शिमरी लुक कॉज ओनली पिंक डजंट लुक सो गुड. तो आई जस्ट थॉट टू एड लिटल शिमर इन इट पिंक शिमर और डिफरेंट लिटल शिमर. तो उससे मैं ऊपर से भी थोड़ा ब्लेंड आउट कर लूँगी जिससे थोड़ा स्मूथ बेस आए और हैश लाइन्स नहीं दिखे. I'm just gonna blend it out. Then straight to base I'm gonna use a Lakme liquid foundation and I'm gonna use natural beige I guess. तो उसे मैं पूरे फेस पे लगाऊंगी mainly like the area which I have acne. तो वो पे लगाऊंगी मैं and then all over my face, I mean forehead, neck, etc. Then I'm gonna just blend it. I mean मैं थोड़ा सा सब क्या बोलते हैं उसको ऑल ओवर थोड़ा सा लगा लूँगी जिससे फेस के ऊपर पूरा लग जाए. देन आई एम गोना जस्ट ब्लेंड इट आउट विद अ ब्रश एंड यूज़ दिस मेबलिन कॉम्पैक्ट पाउडर. सो उसके बाद मैं सेम आई शेडो ब्रश लूँगी जिससे मैं नीचे लोअर लैश लाइन पे थोड़ा कलर लगाऊँ जिससे यू नो लुक लिटिल मैचेबल लाइक राउंड शेप आ जाए. तो उससे सेम फर्स्ट पैलेट से मैं वाला थोड़ा शिमरी शेड लूँगी विच इज़ लाइक ग्लिटर शेड टू एड दैट लिटिल स्पार्कल ऑन माई आईज. देन आई एम गोना टेक अ बिग पाउडर ब्रश जिससे मैं अपने पूरे फॉल आउट्स को हटा दूंगी. देन आई हैव डन माय लाइन अप विद लैक्मे लिक्विड लाइनर. फिर मैं एडिटिंग का काजल यूज करूंगी ऑल ओवर माय लाइक वाटर लाइन एंड देन सी व्हाट आई हैव डन लाइक हू लुक्स अप व्हाइल अप्लाइंग लाइनर. लाइक जस्ट नाउ आई अप्लाई लाइनर अब ये कर दिया मैंने. Then I'm gonna take this pinkish blush because this is a pink look and even blushes pink looks too good on this look I guess. And then I'm gonna just blend it and even apply it a little bit more. And I'm like too much into blush because I literally love them. So मैं ये पूरा अपने blush पे लगाऊंगी, मैं cheeks पे लगा लूँगी. Then I'm gonna take this lipstick by Victoria's Secret and I have like literally so many sheets of this. So मैं इससे थोड़े से कलर्स लूँगी एंड आई एम गोना जस्ट मिक्स अप मैच टिल आई गेट द परफेक्ट शेड. आई डोंट नो व्हाई आई डू दिस बट आई लिटरली डू दिस एवरी टाइम. आई एम गोना टेक लाइक टुक फोर लिपस्टिक्स टू गेट अ परफेक्ट शेड. सो येप आई एम डन विद माय लिपस्टिक. देन उसके बाद मुझे याद आया कि आई एम नॉट हाईलाइटेड. I'm just gonna highlight my face because this gives that natural amazing glow on your face. तो आप भी highlighter लगाओ, not every day, but जब भी लगाना हो लगाओ. And yep, on the areas, usual areas where we apply, I'm gonna apply it. And I'm gonna highlight my face. Then again, I realized कि मैंने eyebrows भी नहीं fill किया. Then I'm gonna just fill my brows. And voila, we are done. That was my today's video. Hope you like this video. अगर आपको ये video अच्छा लगा तो please make sure you subscribe to my channel, hit that like button and comment करके जरूर बताना कि ये look अच्छा था या कैसा था ये look. तो yep, see you in my next video. Bye bye.